रखिए, आगे इसके अब दो पार्ट हैं, पार्ट बी और सी, और पार्ट बी में फिर आगे दो पार्ट हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट दैट एन ऑडिटर शुड सेंड अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट टू द क्लाइंट प्रायर टू अंडरटेकिंग एन ऑडिट, कि क्यों उसको भेजना चाहिए एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट टू द क्लाइंट। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ, वैसे सादा सी बात है, हम बच्चे जब भी कोई जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो वो जॉब क्या बला है, किस बारे में है, ठीक है, ये चीजें हमारे उनके साथ, या हम भाई आपसे इतने पैसे ले रहे हैं और उसके बदले में हम इतना काम करने को तैयार हैं, ठीक है। तो वो पहले पूछ रहे हैं कि जी क्यों वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या पार्ट बी है और हम उसके पार्ट वन में है, इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर ऑफ एंगेजमेंट। लेटर ऑफ एंगेजमेंट जी, अब आप खुद नोट कर लें, एन एंगेजमेंट लेटर गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, एन एंगेजमेंट लेटर गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट डाउन ऑन पेपर टू फॉर्म एविडेंस ऑफ व्हाट वाज एग्रीड एट अपॉइंटमेंट। तो बुनियादी तौर पे ये क्या है, एक एविडेंस है, किस चीज का, कि आपने आपस में दोनों बंदों ने, यानी कि आप और आपके क्लाइंट ने किस बात पे एग्री किया था। एन एंगेजमेंट लेटर गेट्स द कॉन्ट्रैक्ट रिटन डाउन ऑन अ पेपर टू फॉर्म एविडेंस ऑफ व्हाट वाज एग्रीड एट अपॉइंटमेंट। इसके एक नंबर है, अब इसने हमसे मांगा हुआ है दो नंबर का, तो हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, और ये हम डायरेक्ट उठा रहे हैं एसीसीए का जो है ना रूल बुक, वहां से कि द अबव शुड रिड्यूस द चांस ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ ऑडिट इश्यूज। ठीक है, जो कल को आपको ऑडिट इश्यूज आपस में जब आप लोग बात करेंगे, कुछ आपको दर्श बात है, जब दो बंदे आपस में बच्चे चलते हैं तो मुमकिन है वो उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, रहन मुमकिन है कि किसी ना किसी जगह पे आपको जाके फील हो करने की जब बात हुई थी तो ये बात तय हुई थी। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, इस चीज के चांस को कि कल को कोई आपकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इस बात को रिड्यूस कर देता है लेटर ऑफ एंगेजमेंट। तो ये दो नंबर का उसने मांगा हुआ था। ठीक है, बाकी स्टडी टेक्स्ट से आप इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मेरी पढ़ सकती हैं, कंसेप्ट इतना ही है इसका जी। अगला पार्ट है जी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन कंटेंट्स ऑफ अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट विच यू शुड सेंड टू द डायरेक्टर्स ऑफ मेल्टा मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इन अ सेंस ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कि मेन कंटेंट्स क्या होने चाहिए ऑफ अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट, तो बी पार्ट टू है हमारा कि मेन कंटेंट्स क्या है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें, वो ये है कि उसने कहा कि टू द डायरेक्टर्स, हालांकि जो होते हैं ना ऑडिटर, ये बेसिकली शेयर होल्डर के लिए काम कर रहा था, ऑडिटर की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए होता है, लेकिन मजे की बात है कि हम उन्हीं के साथ कर रहे हैं रब्ता। तो उसकी एक रीजन ये है, एजेंसी थ्योरी हमने शुरू में पढ़ी थी, कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली शेयर होल्डर को ही दे रहे हैं, शेयर होल्डर प्रिंसिपल है, तो हम उसके एजेंट्स हैं, डायरेक्टर्स, हम उनको ये चीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे मेन कंटेंट कौन से हैं, मैं हेडिंग देता जाऊंगा और बोलता जाऊंगा, आपने खुद उसको नोट करना है। पहली चीज है बच्चे एड्रेस जी, rather oddly द एंगेजमेंट लेटर इज एड्रेस टू द डायरेक्टर्स एज शेयर होल्डर्स प्राइमरी एजेंट्स। के होना तो चाहिए था कि हम डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ही लिखते, लेकिन बाहर यही तरीका कर बताया गया कि आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट किसको लिखते हो, डायरेक्टर्स को लिखते हो, किस एंगल से लिखते हो, इस सेंस में हम उनको लिखते हैं कि जी ये शेयर होल्डर के प्राइमरी एजेंट्स हैं।
जी सेकंड नंबर पे हम उसमें क्या मेंशन करते हैं, हम बच्चे पहले नंबर पे एड्रेस बता दिया, फिर हम बताते हैं कि जी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जी द फर्स्ट मेन सेक्शन लिस्ट्स एंड एक्सप्लेन्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, तो डायरेक्टर और ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनको उनकी वजाहत करता है। थर्ड नंबर पे जी स्कोप, स्कोप क्या होता है कि कोई चीज किस हद तक किसी बात को कवर करती है। दिस ह्यूज सेक्शन एक्सप्लेन्स इन सम डिटेल हाउ द ऑडिट विल बी कंडक्टेड। ठीक है, ये बताएंगे जी ऑडिट कैसे कंडक्ट होगा, हम किस किस तरह की आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। ठीक है, ओवरऑल जब ऑडिट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारी जो है वो राय किस चीज के बारे में देंगे। ठीक है, कितनी मतलब हमारी जिम्मेदारी है वगैरह वगैरह, ये काफी वसी है, आगे जाके मे भी इसके ऊपर हम मरीज बात करें। फिलहाल स्कोप आप साधा रफ्तों में ये समझ लें कि कोई चीज जो है वो कितनी बात को कवर करती है, उसको स्कोप कहते हैं। तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में हम ये यहाँ पर बता देंगे कि जी हमारे ऑडिट का स्कोप किस हद तक है। आगे जी एक्स्ट्रा पैराग्राफ, एक्स्ट्रा लफ्ज से आपको आइडिया हो रहा होगा। देन देयर इज यूजुअली अ सेक्शन वेयर द ऑडिटर एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एनी एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड। कोई आपको स्टेटमेंट सीधी करके दी है, कोई आपको मजीद कोई सर्विस है जो उन्होंने मांगी है जो कि हमारे उसमें शामिल नहीं थी पहले, लेकिन बाद में जैसे कोई बंदा घर में काम करने आता है तो करो हम एक काम लेते हैं उसके साथ हम उसको कहते हैं यार फलां चीज भी है उसके बारे में, तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज तो करेगा ही। लेकिन यहाँ पर मजीद यह है कि वो इधर ही, क्योंकि ये लेटर ऑफ एंगेजमेंट शुरू में हमने कह दिया कि ये बताता है कि जी हमारा आपस में एग्रीमेंट क्या है, तो ये कवर करेगा एक्स्ट्रा पैराग्राफ के जी मजीद मैंने ऑडिट के अलावा कोई सर्विस अगर दी है तो उसका क्या सीन है। आखिरी चीज है जी सिग्नेचर्स, नोट कर लें, बोथ पार्टीज ऑडिटर एंड डायरेक्टर्स साइन एट द बॉटम, क्योंकि ये इन अ सेंस हमने शुरू में बात की कि इन अ सेंस ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाहिर सी बात है बच्चे आपने F4 पढ़ा होगा, ला पढ़ा होगा, तो दो पार्टियां होना लाजमी है। ठीक है, एक ऑफर करे दूसरी एक्सेप्ट करे, तो या म्यूचुअल दोनों बैक वक्त जो है वो एक ही बात को एक्सेप्ट कर रहे हो लीगल तरीके से, तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंड पे दोनों घर जो हैं, दो बंदे हैं, एक ऑडिटर है, ऑडिटर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, सॉरी डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके शेयर होल्डर्स को, और ऑडिटर जो है वो जाहिर सी बात है कि ऑडिट कर रहा है, तो ये दोनों बंदे जो हैं, दोनों जो पार्टीज हैं ये यहाँ पर साइन करती हैं इन बातों के ऊपर कि किसको एड्रेस्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिटर की, ऑडिट किन किन बातों को कवर करता है, मजीद कोई सर्विस दी है तो उसका क्या सीन है, और एंड पे सिग्नेचर शो करते हैं कि हाँ किस बात के ऊपर एग्रीड। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट सी, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द प्रपोज पार्टनर्स टू रजिस्ट्रेशन एट द ICCA एंड हाउ दीज रजिस्ट्रेशन रिलेट टू ऑडिट रेगुलेशन। ये काफी हार्ड के है हमारे रूटीन के मतलब क्वेश्चन से, उसने ऊपर दो सर्टिफिकेट्स की बात की थी, एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट था और एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एट रजिस्टर्ड ऑडिटर था। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेंबरशिप इसके बारे में तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, हम बच्चे पहले ACCA के पास करते हैं 14 एग्जाम्स। ठीक हो गया, जब ये पास हो जाते हैं तो हम इसके साथ 3 years का हमारा उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। जब आपका ये कंप्लीट होता है तो आप एफिलिएट कहलाते हैं। ये बातें आपको पता है लेकिन मैं उसकी जरूरत है बता रहा हूं। तो जब ये दोनों पोर्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो आप ACCA के मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो टू बिकम अ मेंबर द पार्टनर मस्ट हैव पास्ड हिज एग्जाम एंड अटेंड द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल वो पहले हिस्से की बात है जहां पे उसने कहा कि उसके पास से ACCA का मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, मेंबरशिप से मुराद है एफिलिएट भी हो और 3 साल का उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाए तो उस वक्त हम उसको मेंबर बोलते हैं। रजिस्टर्ड ऑडिटर कौन है, ये अगली बात।
टू बी अ रजिस्टर्ड ऑडिटर द पार्टनर मस्ट हैव अटेंड फर्दर ऑडिट क्वालिफिकेशन एंड पेड द रेलेवेंट एनुअल फी। ठीक है, मजीद अगर कोई ऑडिट की रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप डिफरेंट कंट्रीज में अपनी अपनी है, ठीक है, ऑडिट तो आप कर सकते हैं जब आपका एसएससीए कंप्लीट है, ठीक है, इनका कोई मजीद सीन है मुझे उसकी बहुत ज्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन अगर आपने P7 पास किया हो तो उसके नॉलेज की बेस पे कुछ एनुअल फीस वगैरह दे के तो एक और बॉडी है जिसकी आप मेंबर बन जाते हैं, और हजारों लोगों में से कोई एक दो ही ये वाली हरकत करते हैं। उसकी रीजन यह है कि वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, आप तो खुद यूके में आपको आइडिया होगा कि वहां पे जो स्टडी के नाम पे जो फी है वो कितनी ज्यादा है। तो ये मेंबरशिप फीस है, बाद लोग जो है वो एक ऑडिटर्स की रजिस्टर्ड बॉडी है उसके भी मेंबर बन जाते हैं, तो वो फर्दर क्वालिफिकेशन इन सेंस ही सेंस में अगर किसी बंदे ने P7 नहीं पढ़ा, ठीक है, ACCA में तो अगर आपने P7 पढ़ लिया तो आपको वो वहां से एग्जेम्प्शन मिल जाएगी, साथ में आप उसकी फीस दोगे जी। रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी, ACCA खुद जो है ये एक RSB है, RSB रिकॉग्नाइज्ड सुपरवाइजरी बॉडी, ठीक है, यूके में ये लोग आप लोग जो है अगर आप मेंबर बन जाते हो तो आप ऑडिट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ICAP है, ठीक है, सिर्फ उन्हीं की मनोपली है। द ACCA इज एन RCB विच मीन्स इट होल्ड्स द लिस्ट ऑफ ऑडिटर्स एंड रेगुलेटरी रेगुलरली चेक्स ऑन देम, ठीक है जी, कि वो ना सिर्फ उनकी लिस्ट के जी हमने किस किस को अलाउ किया हुआ ऑडिट करना, बल्कि रेगुलरली उनके काम को चेक करते रहते हैं ताकि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो आरफ ना आए कि एज अ बॉडी ACCA जो है ये किस तरह की यानी कि अच्छा काम कर रहे हैं या वीक कर रहे हैं वगैरह वगैरह। उसके लिए इन्होंने क्या बनाए हुए हैं बच्चे, अपने मॉनिटरिंग यूनिट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो वक्तन फोक्तन जो है वो डिफरेंट ऑडिट्स को जाके चेक भी करते हैं, इनके हुए हुए काम को भी रीचेक करते हैं, ठीक है, तो ताकि कंट्रोल जो है वो आपका कायम रहे। बाकी ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो दो नंबरी का काम कर रहा है तो ACCA का कंट्रोल ये है कि वो उसकी मेंबरशिप जो है वो उसको कैंसिल कर देते हैं या अपने रजिस्टर में से उसका नाम निकाल देते हैं। एट टाइम्स किसी बॉडी का मेंबर होना या किसी रजिस्टर्ड बॉडी का मेंबर होना जो है वो आपको काम दिलवाता रहता है, लेकिन अगर आपको वहां से रिमूव कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि लोगों का आपसे एतबार उठ जाएगा और आपकी जो है वो वर्थ नहीं रहेगी, आपके काम की रेस्पेक्ट जो है वो नहीं रहेगी और यूं आपका मतलब नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये ACCA रेगुलरली चेक करता रहता है कि जो उसके मेंबर्स हैं अगर वो कहीं पे किसी ऑडिट फर्म उन्होंने अपनी बनाई हुई है या ऑडिट कर रहे हैं तो क्या ठीक से कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे